सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की हिंदी की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 34 में हम पढ़ने और समझने वाले हैं व्याकरण में विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द को समझने के लिए हम एक पिक्चर देखते हैं और इस पिक्चर को आपने ध्यान से देखना है और समझना है। इससे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? तो नीचे वीडियो के नीचे अंगूठे वाला निशान है उसे दबाना है और ब्लैक से उसे ब्लू कर देना है। तो यहाँ पर पिक्चर देखो, विलोम शब्द के लिए ये एक बच्चा है और ये एक बड़ा आदमी है। तो बच्चा यानी कि छोटा और जो आदमी है यानी कि ये कैसा है, बड़ा है। इसी तरह से देखो, छोटा, छोटे का बड़ा विलोम हो गया। इसी तरह से अगर इसे कहें तो पतला और इसे कहेंगे मोटा। ठीक है, ये हाइट में क्या है, कम है और ये लंबा है, ज़्यादा है। तो इसी तरह से देखो, ऊपर का हो गया नीचे, दाएं का हो गया बाएं। क्लियर है? तो ये इस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं, मोटा पतला छोटा बड़ा, ये सारे क्या हैं, आपके विलोम शब्द हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा विलोम शब्द का हम इसकी जो परिभाषा देखते हैं कि विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। यानी कि जो अर्थ एक दूसरे का उल्टा बताते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है आपके लिए, जैसे दिन, तो दिन का यानी रात, दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है। इसी तरह से अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे और आना का जाना, ये सारे क्या है, एक दूसरे के उल्टा अर्थ देते हैं यानी कि विपरीत, और इन्हीं को कहते हैं हम विलोम शब्द। अब यहाँ पर कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, आपने इनका विलोम शब्द बताना है। देखो सवाल है आपके, एक्सरसाइज पहले आपने लिखना नहीं, इसे सुने आप समझें और उसके बाद मैं आपको ये लिखवाऊंगा जरूर। तो देखो इसी प्रकार शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे जीत का लिखोगे हार, ठीक है, तो मैं ये लिखवाऊंगा आपको। झूठ का सच लिखोगे, कोमल का कठोर, आदि का अंत, आदान का होता है प्रदान, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। नया का लिखोगे पुराना, अपना का लिखोगे पराया, ठीक है। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है विष, तो विष का लिखोगे अमृत, विष का लिखोगे अमृत। यहाँ पर मित्र का लिखोगे शत्रु, लाभ का लिखोगे हानि, सुख का हो गया दुख, सत्य का असत्य, मुझसे पहले बताना आपने, दूर का लिखोगे पास, और बड़ा का छोटा तो ऊपर आया ही है। इसी तरह से हंसना का रोना, ये सारे विलोम शब्द हैं। पूरब का, पूरब का क्या लिखोगे, पश्चिम, पूरब से सूरज उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। उत्तर का दक्षिण हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। भारी का हल्का, नरक का स्वर्ग, अमीर का गरीब, आज का कल, अंदर का बाहर, दाएं का बाएं, और खरा, खरा का बेकार, खरा का होता है बेकार। खट्टा, खरा का खोटा कह सकते हैं आप। खट्टा का हो गया मीठा, कम का हो गया ज़्यादा। आयात का लिखोगे निर्यात, उपस्थित का अनुपस्थित, और तरल का कठोर, तरल पानी और कठोर पत्थर, तरल का कठोर। दयालु का निर्दया, निर्दयी, दयालु का लिखोगे निर्दयी। तो प्यारे बच्चों ये हैं, अब मैं यहाँ पर आपको इन सभी के नाम लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूंगा यहाँ पर, और आप सभी के यहाँ पर नोट करते जाइए 1 से 10 तक के, 30 तक। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपको 1 से 30 तक, आप उन्हें नोट करते जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना। धन्यवाद।